हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को किसी चीज़ का रिव्यू नहीं करने वाली हूँ, बट इंस्टाग्राम के कुछ पेजेस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वेरी रहती है कि इंस्टाग्राम से अगर हम कुछ बाय कर रहे हैं तो वो अकाउंट जो है फेक ना हो, हमारे प्रोडक्ट्स फेक ना हो। ऐसी इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा रहती हैं, ऐसी टेंशन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो ऑनलाइन इंस्टाग्राम की शॉपिंग के से रिलेटेड मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। और मिक्स है, वैसे तो मेरे को दोनों एक्सपीरियंस हो चुके हैं यार, अच्छा भी और बुरा भी। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों से ज़रूर ये चीज़ शेयर करूँ। सो गाइज, जैसे आप लोगों ने अभी मेरी वीडियो देख ली होगी आई होप, या तो फिर मैं इस वीडियो के बाद उस वीडियो को डालूंगी जिसमें मैं इन कलर पॉप लिपस्टिक के स्वेचेस आप लोग को दिखाने वाली हूँ और इस लिपस्टिक का रिव्यू करने वाली हूँ। तो ये लिपस्टिक जो है मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम के एक पेज ब्यूटी नेशन से मंगवाया था, एंड ट्रस्ट मी वो जो पेज है वो बहुत अच्छा पेज है। आई डोंट नो उसकी ओनर का नाम क्या है, क्योंकि बहुत अलग डिफरेंट सा नेम था जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ। आई एम वेरी सॉरी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं आपका नाम फिर से भूल गई हूँ। बट आई थिंक वो पंजाब में रहती हैं कहीं, और वो बहुत अच्छी हैं। बहुत उन्होंने अच्छे तरीके से मुझे सब समझाया था, इवन दो इस लिपस्टिक के शेड्स को सजेस्ट करने में भी उन्होंने मेरी हेल्प करी थी, चूज़ करने में आई मीन, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लड़की हूँ, तो मैं बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि क्या करूँ, और फिर उसके बाद पेमेंट में भी मुझे थोड़ा कुछ कॉस्टली लग रहा था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था किसी चीज़ के लिए, तो उन्होंने मुझे उसमें भी हेल्प किया था, तो इसलिए मुझे वो बहुत अच्छी लगी। बट इस शॉपिंग से पहले मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है गाइस, जिसकी वजह से मैं किसी भी ऑनलाइन शॉप, जो भी रीसेलर या सेलर्स थे, उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। जैसे आप लोग जानते हैं मैं दुबई में रहती हूँ, तो जब मैं इंडिया गई थी तो मैं इंडिया से कुछ ना कुछ शॉपिंग करती रहती हूँ। तो मैं इंडिया से किसी पेज से, इंस्टाग्राम के किसी पेज से कुछ चीज़ मंगाई थी। अब मैं नहीं बताना चाहती हूँ कि मैंने किस इंस्टाग्राम के पेज से मंगाई थी, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ आई थिंक यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। तो मैंने एक इंस्टाग्राम के पेज पे, एक पेज पे वो चीज़ देखी और दूसरे पेज पे भी वो चीज़ देखी। मैं दोनों पेजों को फॉलो कर रही थी, तो एक पेज जो था मुझे पता था वो 100% जेन्युइन पेज है, बट उस पेज पे वो चीज़ कॉस्टली थी, 2000 की थी आई थिंक। और दूसरे पेज पे वही चीज़ जिस लड़की को मैं नहीं जानती थी वो 1650 या 1600 की वही चीज़ बेच रही थी। तो ऑब्वियस यार दिमाग में ये आता है कि चलो थोड़ा पैसा कम है तो हम वहाँ से ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमारे साथ ऐसा फ्रॉड वाला केस ना हो जाए ना, हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो वही मेरे साथ था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ आप इस नंबर पे पेटीएम कर दो। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि पक्का है ना कि तुझे करना है इस पे ऑर्डर, तो मैंने उन्हें बोला हाँ मुझे करना है, क्योंकि मुझे वो चीज़ सच में चाहिए थी, मुझे बहुत टाइम से वो चीज़ चाहिए थी, तो इसलिए। तो मेरे हस्बैंड ने उसको पे कर दिया। अब उस लड़की ने मुझे बोला कि मैं इंटरनेशनल शिपिंग होगी ये, मैंने इंटरनेशनल कहीं यूरोप वगैरह से इसे मंगाया है तो इसको आने में इतना टाइम लगेगा। आई आस्क्ड हर कि भाई मुझे इतनी डेट को वापस दुबई जाना है, मुझे इस डेट से पहले मिल जाएगा, और करीब एक महीना था उसने, एक महीना नहीं, करीब आई थिंक 7 को मैंने ऑर्डर किया था और 28 तक मुझे जाना था। तो मैंने उसको बोला 25-26 तक तो मुझे डिलीवर कर देगी ना वो चीज़। उसने मुझे बोला कि हाँ मैं आपको वो चीज़ डिलीवर कर दूँगी, उसने मुझे श्योरिटी भी दी कि हाँ 100% मैं डिलीवर कर दूँगी। देन काफ़ी दिन हो गए, अब मेरे पास उसका कोई मैसेज नहीं, रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। मैंने उसको मैसेज किया, भाई मेरा सामान नहीं आया, कब तक आएगा? उसका कोई रिप्लाई नहीं आता था, वो मेरा कॉल पिक नहीं करती थी, कॉल को डिसकनेक्ट करती थी। और पहले तो उसने मुझे बोला कि मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ, चलो मैं अपने बोलती हूँ किसी को देखने के लिए कि आया नहीं आया। फिर उसने मुझे बोला हाँ आपका सामान तो आ गया, कल तक पक्का आपके पास डिलीवर हो जाएगा। अब उसने ठीक है, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। फिर नहीं, आपका तो साइज नहीं आया, किसी और का साइज आया है, आपका सामान नहीं आया। मतलब उस लड़की ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, लिटरली उस लड़की ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था, इतने बहाने बना के। फिर उस मेरे फ़ोन नहीं उठाती थी, डिस्कनेक्ट पे डिस्कनेक्ट करती थी, मैसेज के रिप्लाई नहीं करती थी। एंड गाइस
चाहे 1600 हो, चाहे 1700 हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो कितना भी अमाउंट हो ना, लाइक अगर कोई आपसे फ्रॉड करता है ना तो वो आपको बहुत ही पिंच करते हो पैसे, और यही पैसे अगर आप किसी को दान कर दो ना तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं देते, इतना आपको बुरा नहीं लगता है वो चीज़। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे ऐसे करके फ्रॉड मेरे साथ चीट कैसे कर सकता है, मैं जिस लड़की पे, और वो लड़की जो थी वो किसी बुरे घर की नहीं थी, वो बहुत अच्छे घर की लड़की थी, क्योंकि उसकी फ़ोटोज़ और सब देख के पता चलता है कि वो बहुत अच्छे घर की लड़की है। तो इस तरीके से 2 महीने तक उस लड़की ने मुझे बहुत परेशान किया। फिर मैंने उस लड़की को ये भी बोला कि ठीक है तू मुझे दूसरा कुछ और दे दे इसके बजाय, क्योंकि वो मुझे ऐसा लग रहा था वो मुझे पैसे भी नहीं देगी। बार बार मुझे बोलती थी अच्छा मैं अभी पैसे आपके ट्रांसफ़र करती हूँ, आपको अभी कर रही हूँ, और भाई उसके पैसे भी मेरे पास नहीं आ रहे थे। तो फिर मुझे हो रहा था यार पैसे नहीं देती, चल कोई नहीं तू चीज़ ही दे दे, तुझे ऐसा लगता है कि भाई पैसे नहीं देने चीज़ देने, तो तू मुझे कुछ प्रोडक्ट ही अपने दे दे। तो उसके वो प्रोडक्ट्स पे भी बहाने पे बहाने चलते थे, वो प्रोडक्ट्स भी नहीं देती थी। इस तरह से मेरा जो एक्सपीरियंस था उसके साथ बहुत बुरा रहा था। एंड यू गाइस अगर आप सुनोगे ना कि मैंने उसके पैसे कैसे निकलवाए तो आप लोग हंसोगे, मैं अभी नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन मैंने इस तरीके से पैसे निकलवाए कि वो लड़की भी एकदम शॉक्ड हो गई थी कि हाओ। तो मतलब वो किस्सा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर वो भी सुनना हो ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। लेकिन मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी इस मैं नहीं बता रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं बस अपने इंस्टाग्राम का ही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। देन मैं इस ब्यूटी नेशन जो एक जिनसे मैंने अपना ये लिपस्टिक वगैरह ऑर्डर करी थी उनसे ऑर्डर जब करना था तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लिटरली मैं बहुत डरी हुई थी। फिर मैंने एक दो फ्रेंड्स ने और मेरी इसको फॉलो इन पेज को फॉलो किया था, मैंने उनसे मैसेज करके, ब्लॉगर्स हैं वो भी, पूछा कि भाई ये कैसे अकाउंट, तो उन्होंने बोला नहीं अच्छे हैं, यू कैन गो एंड ऑर्डर ऑन दैट पेज। और मेरी एक फ्रेंड है तो उसने भी इनसे लिपस्टिक यही वाली बाय करी थी, तो उसका देख के मैंने बाय किया था, तो उसने मुझे बोला नहीं ये बहुत अच्छे हैं, यू कैन गो अहेड विद देम। सो इसलिए मैंने इनके साथ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मैं बहुत डरी हुई थी, मैंने बहुत डर के ऑर्डर किया था, बट फिर भी मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा रहा। सो मैं आपको बोल सकती हूँ कि भाई इनके पेज से जाइए और ऑर्डर करिए आराम से, इनके जो प्राइजेज़ है वो भी मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसे कोई बुरे प्राइजेस नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं ये जो भी लड़कियाँ हैं। इनके पास हाई एंड ब्रांड से लेके मीडियम ब्रांड तक की हर चीज़ आपको मिलेगी। अगर आपको इनके पेज में कुछ नहीं भी दिखता है तो आप पर्सनली इनको मैसेज करके पूछ सकते हैं, मे बी इनके ये अवेलेबल करा दें कहीं से अगर करा सके तो। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी, मेरी सिस्टर है, मेरी छोटी सिस्टर, आप लोगों ने व्लॉग में बहुत बार उसको देखा होगा, तो उसने भी कुछ टाइम पहले अपना यही बिजनेस शुरू किया है इंस्टाग्राम पे, आई थिंक क्लोथ्स का, शूज़ का, बैग्स का, इन सब का उसने बिजनेस शुरू किया है। तो इंस्टाग्राम पे उसका भी पेज है, वो भी मैं लिंक जो है नीचे आप लोग को, आई मीन इंस्टाग्राम का जो नाम है वो मैं नीचे मैंशन कर दूँगी, तो आप वो देख सकते हैं। इसकी कलेक्शन भी अमेजिंग कलेक्शन है, और इसके पास जो प्राइजेज होते हैं वो भी आपको बहुत बढ़िया प्राइजेस मिलेंगे। और मैं आपको बोल रही हूँ तो ऑब्वियस है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ, यूट्यूब पे ही हूँ मैं कहीं नहीं भागने वाली हूँ, तो वो बिल्कुल फेक नहीं होगा जो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी, वो कुछ भी फेक नहीं होगा। तो उससे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, थोड़ा सा या डिले हो जाती चीज़, वो बंदा अगर आपको रिप्लाई करके बोल दे कि हाँ ठीक है मैम डिले हो रहा है बता दे एटलीस्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मेरे साथ हुआ था, उसने मुझे कुछ नहीं बोला था, कुछ भी नहीं बताया था, और यार अपने पैसे मांगना क्या किसी को परेशान करना होता है। वो मुझे क्या कहती है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, यार अपने पैसे मांग रही हूँ मैं तुझसे, तेरे पैसे नहीं मांग रही हूँ, तो मैं तुझे परेशान कर रही हूँ, वाओ यार आई एम अ कस्टमर, मुझसे पैसे लेने के लिए जब मैंने तुझसे पूछा था तब तूने मुझे झूठे तरसली दे दी कि हाँ आ जाएगा 101% आ जाएगा 101% आ जाएगा। तो गाइस मेरी सिस्टर के जो पेज का नाम है वो है शॉप टू स्टाइल, और टू जो है TOO वाला टू है, तो आप उसके पेज पे भी जाके देख सकते हैं और वहाँ से शॉपिंग कर सकते। सो फ्रेंड्स ये था मेरा सारा एक्सपीरियंस जो इंस्टाग्राम की ऑनलाइन शॉपिंग से रहा, एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप लोग अपना पैसा जो है सही हाथों में दे पाएंगे शॉपिंग के लिए। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड लुक ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। Bye. Take care.